दोस्तों दुनिया में बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो असल में अपनी जिंदगी में खड़े उतरते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ऐसी ही एक कहानी है भारत के सबसे मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जो तंग गलियों से निकलकर आज दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। लेकिन कौन जानता था कि अहमदाबाद की तंग गलियों में रहने वाला एक आम लड़का दुनिया का पांचवा सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। आज गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फोर्ब्स लिस्ट में पांचवे नंबर पे हैं, जहां उनकी कुल संपत्ति 112.8 बिलियन US डॉलर आके गई है। यही नहीं, आज अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। वो जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उससे ऐसा भी हो सकता है कि वो जल्द ही मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया और भारत के सबसे अमीर इंसान बन जाएं। तो चलिए दोस्तों एक नजर डालते हैं मुकेश अंबानी से अमीरी की रेस लगाते कारोबारी की कहानी पे, और ये कहानी सच में आपको भी संघर्ष करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। दोस्तों गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अगर इनके परिवार की बात करें तो ये 7 भाई बहन थे। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अडानी का परिवार पहले आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ करता था, जिसके कारण इनका परिवार अहमदाबाद के उत्तरी इलाके में एक चौल में रहा करता था। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने गरीबी ही देखे थे। आप उनकी कंडीशन का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि उस समय अडानी के पास खुद का स्कूटर भी नहीं हुआ करता था, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छे थे। वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करते थे और उनके दोस्त भी उनकी आर्थिक रूप से मदद किया करते थे। उनके दोस्तों में एक दोस्त था मलय महादेविया, जो कि वक्त आने पर उन्हें अपना स्कूटर दे दिया करता था। और तो और वो एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ता था, जिसकी वजह से उसको इंग्लिश काफी अच्छे से आते थे। इसलिए वो दोस्ती के नाते अडानी को भी इंग्लिश सिखाया करता था, जिसके चलते कभी भी अडानी को एक अच्छे एजुकेशन की कमी महसूस नहीं हुई। कहते हैं बाद में उनका यही दोस्त उनका बिजनेस पार्टनर भी बना। दोस्तों आपको बता दें कि अडानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही साधारण स्कूल से की थी, और अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था। लेकिन ग्रेजुएशन के दिनों में उनके घर के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ, जिसके चलते उनकी पढ़ाई छूट गए। फिर वो कॉलेज से मुंह मोड़कर पैसा कमाने के चुनौतीपूर्ण सफर पे निकल पड़े, जिसके लिए वो अपना शहर छोड़कर मुंबई चले गए और वहाँ एक डायमंड कंपनी में बड़ी मामूली सी पगार पर नौकरी करने लगे। लेकिन अडानी मुंबई केवल नौकरी करने के लिए नहीं आए थे, वो आए थे व्यापार करने के लिए। उन्होंने कुछ समय बाद नौकरी छोड़ दी। दरअसल अडानी ने एक सपना देखा था, और वो सपना था अपने परिवार को गरीबी से निकालने का, जो कि मामूली नौकरी से संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बंधी बंधाई सैलरी में परिवार के 9 लोगों का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा था। जिसके चलते अडानी ने नौकरी छोड़ दी। फिर शुरू हुआ अडानी के फर्श से अर्श तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत का सफर। दोस्तों गौतम अडानी ने महज 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटलेट खोल लिया। उनके अंदर पहले से ही मेहनत करने का जज्बा तो था ही, जिसके चलते उन्होंने एक साल जमकर अपने आउटलेट के लिए मेहनत की। वो कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाते, ठीक ऐसा ही हुआ अडानी के साथ, और यहाँ से शुरुआत हुई अडानी की सफलता के। बिजनेस में किस्मत ने भी उनका साथ दिया, और अगले साल अडानी के आउटलेट का टर्नओवर लाखों में हो गया। लेकिन यहाँ उनकी जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। दरअसल अडानी के भाई ने उन्हें दोबारा अहमदाबाद बुला लिया, जिसके बाद वो अपने भाई महासुख के कहने पर अहमदाबाद की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। दरअसल उनके भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की कंपनी खरीदी थी, लेकिन वो चल नहीं पा रहे थे। उस कंपनी को जो कच्चा माल चाहिए था वो पर्याप्त नहीं होता था, लेकिन इसे एक अवसर में बदलते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का आयात शुरू किया, और 1988 में अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी बनाई, जिसने धातु, कृषि उत्पाद और कपड़ा जैसे उत्पादों की कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू की। कुछ ही सालों में ये कंपनी और अडानी इस बिजनेस में बड़ा नाम बन गए। अडानी एंटरप्राइजेस के मुताबिक साल 1994 में BSI और NSI में कंपनी का शेयर लिस्टेड हुआ था। उस समय इसके एक शेयर की कीमत 150 रुपए थे, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थे। साल 1995 में अडानी समूह ने मुंद्रा पोर्ट का परिचालन शुरू किया। आपको बता दें कि करीब 8000 हेक्टेयर में फैला अडानी का मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। मुंद्रा पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में 13 घरेलू बंदरगाहों में अडानी ग्रुप की ही उपस्थिति है। इसमें कोयले से चलने वाला विशाल बिजली स्टेशन और विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है। मुंद्रा पोर्ट पर दुनिया में कोयले की सबसे बड़ी माल उतराई की क्षमता है। ये पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, जिसका मतलब होता है कि उसकी प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस जोन में बिजली प्लांट, निजी रेलवे लाइन और एक निजी हवाई अड्डा भी है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विलमार इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाकर खाद्य तेल के बिजनेस में कदम रखा। आज देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉर्च्यून खाद्य तेल अडानी विलमार कंपनी ही बनाती है। फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में आटा, चावल, दालें और चीनी जैसे दर्जनों उत्पाद बनाता है। 2005 में अडानी ग्रुप ने भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर देश में बड़े बड़े सिलोज बनाने की शुरुआत की,
सिलोज में बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण किया जाता है। शुरू में 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अडानी ग्रुप ने देश में अलग अलग राज्यों में सिलोज का निर्माण किया। इनकी कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने निजी रेलवे लाइनों को भी बनाया ताकि सिलो यूनिट से पूरे भारत में वितरण केंद्रों तक अनाज की आवाजाही को आसान बनाया जा सके। आज की तारीख में अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स लिमिटेड देश में भारतीय खाद्य निगम और मध्य प्रदेश सरकार के अनाज को अपने सिलोज में रखता है। इसमें भारतीय खाद्य निगम का 5.75 लाख मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश सरकार का 3 लाख मीट्रिक टन अनाज शामिल है। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक साल 2010 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदे थे। गिलीबेस्ट क्वींस आइलैंड में मौजूद इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकते हैं। इंडोनेशिया में तेल, गैस और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, लेकिन आधारभूत सुविधाओं के अभाव में इन संसाधनों का पर्याप्त लाभ उठाना संभव नहीं था। लेकिन 2010 में अडानी ग्रुप ने इंडोनेशिया के दक्षिणी सुमात्रा से कोयले की ढुलाई के लिए $1.5 अरब की पूंजी निवेश करने की घोषणा की थी। इसके लिए दक्षिणी सुमात्रा में बनने वाली रेल परियोजना के लिए वहां के स्टेट गवर्नमेंट के साथ समझौते पर सिग्नेचर किया गया था। उस समय इंडोनेशिया निवेश बोर्ड ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अडानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगी और दक्षिणी सुमात्रा द्वीप की कोयला खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर रेल की लाइन बिछाएगा। दोस्तों, अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76.5 करोड़ था, जो 2014 में बढ़कर $10 अरब हो गया था। साल 2015 के बाद अडानी समूह ने सेना के रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का काम भी शुरू किया और कुछ समय बाद प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में बिजनेस को बढ़ाया। साथ ही 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। 2019 में अडानी ग्रुप ने हवाई अड्डे के क्षेत्र में प्रवेश किया और आज अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप के पास है और अडानी ग्रुप 50 सालों तक इन सभी 6 हवाई अड्डों का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का काम संभालेगा। इसके अलावा गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप के पास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, सपना बड़ा देखना चाहिए और अपने सपने को सफल बनाने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। ठीक यही किया गौतम अडानी ने। कल्पना कीजिए, एक समय में किसी इंसान को पैसों के दिक्कत की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े हो, वो इंसान आज इंडिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान होगा। ये सब बिना उनकी कड़ी मेहनत के संभव नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद गौतम अडानी पर कई आरोप भी लगे, जिसमें एक मरतबा गुजरात सरकार पर अडानी ग्रुप को भारत के सबसे बड़े पोर्ट मुंद्रा को कौड़ियों के भाव में देने का आरोप लगा था। 2010 के फरवरी महीने में अडानी के भाई राजेश अडानी को कथित तौर पर कस्टम ड्यूटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। खैर, इसके अलावा मई 2014 में सरकारी अधिकारियों ने बिजली बनाने के काम में आने वाले उपकरणों के आयात की कीमत को कथित तौर पर करीब $1 अरब बढ़ाकर दिखाने के लिए नोटिस जारी किया था। और एक मरतबा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में कार्मिकेल कोल माइन है, यहाँ अडानी की कंपनी को कोयला खनन की इजाजत मिली है। इसे लेकर अडानी ग्रुप को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इन सब आरोपों के अलावा भी अडानी पर एक सबसे गंभीर आरोप तब लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गौतम अडानी की करीबी साल 2002 से ही दिखने शुरू हो गए थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात में तब सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके बाद व्यापार जगत की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्योगपतियों ने उस वक्त हालात पर काबू पाने में ढिलाई बरतने के लिए मोदी की आलोचना भी की थी। वहीं मोदी गुजरात को निवेशकों के पसंदीदा ठिकाने के तौर पर पेश करने की कोशिश में थे, तब गौतम अडानी ने गुजरात के अन्य उद्योगपतियों को मोदी के पक्ष में करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने CII के बराबर एक और संस्था खड़ी करने की चेतावनी भी दी थी। मार्च 2013 में अमेरिका के वॉल्टन स्कूल ऑफ बिजनेस के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी को मुख्य स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन शिक्षकों और छात्रों के विरोध के बाद नरेंद्र मोदी को मुख्य स्पीकर के रूप में हटा दिया गया था। तब इस आयोजन के मुख्य स्पॉन्सर्स में से एक अडानी ग्रुप ने फाइनेंशियल सहायता वापस ले लिए थे, जिसके चलते भी अडानी पर कई सवाल उठे थे। खैर दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंसान जब कामयाब हो जाता है तो उस पर उठने वाली उंगलियां भी बढ़ जाते हैं, और अगर कोई शख्स गौतम अडानी की तरह कुछ ही समय में इतना कामयाब हो जाए तो उस पर सवाल उठना तो लाजमी है। लेकिन हमें गौतम अडानी से एक चीज जरूर सीखनी चाहिए और वो है कभी हार ना मानना। दोस्तों, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अपनी जिंदगी में किसी भी पड़ाव पे हार नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, ये है गौतम अडानी पे आज की हमारी पेशकश। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।